उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की आज शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरें मैं आपको इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की दिखा दूं कि काफ़ी लंबे वक्त से इस इन्वेस्टर्स समिट का इंतज़ार किया जा रहा था, तैयारियों को परखा जा रहा था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। तस्वीरें मैं आपको इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की दिखाऊंगा कि भारी मात्रा में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। काफ़ी महीनों पहले से इसकी तैयारियां की जा रही थी। नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारी थी शहर को साफ रखने की, लखनऊ कमिश्नरेट के ऊपर जिम्मेदारी थी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखने की। अगर इस बात करें इस इन्वेस्ट यूपी यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं में कृषि और संबद्ध, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन आदि जो परियोजनाएं हैं इनकी सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है। लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ में होंगे और इसके लिए तैयारियां जो हैं वो पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी लखनऊ में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री होंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, उद्यमी होंगे, तमाम लोग यहाँ पे रहेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी तो उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेशवासियों को आखिरकार क्या फ़ायदा पहुंचता है। फिलहाल मैं तस्वीरें आपको इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की दिखा दूं कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। और अगर आप राजधानी लखनऊ की सड़कों का नज़ारा देखेंगे तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे शहर को स्वच्छ रखा गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी लखनऊ में होंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उत्तर प्रदेश वासियों को सौगात देंगे और देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर रहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी तो उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश वासियों को, लखनऊ वासियों को क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं और किस तरीके की सौगात उन्हें मिलती है। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।